Good morning students. This is Mr. Pizitaitis. So, today we are going to discuss about uh, Voice of the Unwanted Girl. This poem has been written by Sujata Bhatt. So, this is for uh, BA, B.Com, B.Sc. BA period first year for Rajasthan University students. so before entering to uh, this video lecture I would like to request to you if uh, newly you are watching my video so please subscribe it uh, and uh, share it to your friends and uh, also your classmates. So students Ajam voice of the unwanted girl is a uh, चैप्टर के ऊपर अध्ययन करेंगे जिसका लेखक है सुजाता भट्ट और ख़ास करके ये जो बीए बीएससी बिकम और बी ए, ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी इन, के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये है और अदर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी उसको ले रखा है या तो फिर और किसी कॉलेज में ये लेसन पढ़ाया जाता है तो उनके लिए भी लाभदायक है तो आइए शुरू करते हैं और इस लेसन को और इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर सो लेट अस स्टार्ट द टूरिस्ट वीडियो लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट लिटिल लाइफ बैकग्राउंड ऑफ सुजाता भट्ट तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा जो पॉइट है या राइटर है उसका थोड़ा सा जो लाइफ बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा विचार करें भट सुजाता भट्ट वॉज़ बोर्न इन अहमदाबाद सुजाता भट्ट का जो जन्म है अहमदाबाद में हुआ था ए ग्रेजुएट ऑफ द राइटर्स वर्कसअप यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ, सी हेज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट अलाइव टुडे तो इसका जो मतलब अपने लोवा के लेखों के कार्यशाला विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उन्हें आज जीवित कविताओं में से सर्वश्रेष्ठत्व माना जाता है ठीक है तो कविता का परिचय सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल अज द टाइटल स्टेट्स इज द आर्टिकुलेशन ऑफ ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड हु कोश्चिन द इनह्यूमैनिटी एंड हारर ऑफ फीमेल इन्फाइटिसट तो यहाँ पे जैसे कि हम इस पॉइम का परिचय को जब देखते हैं है ना पॉइम का नाम सबको पता है वॉइस ऑफ द अनवॉन्टेड गर्ल जैसे कि शीर्षक से पता चलता है एक उत्पीड़ित बालिका की अभिव्यक्ति है जो मादा शिशु कन्या के अमानवीय व वयापक कृत्य पर प्रश्न करती है ओके द पोएम टेकन फ्रॉम द माय मदर सुपे ऑफ वेयरिंग ए सारी रिटर्न विथ रेयर सेंसिटिवली

Uh, हमने जैसे देखा था कि ये कविता माय मदर वे ऑफ वेयरिंग ए सारी नामक संकलन से ली गई है इसे दुर्लभ संवेदनशीलता व सामाजिक और धन के साथ लिखा गया है इस कविता में पितृ सतात्मकता की आलोचना की गई है और इसे विश्व की मांग की गई है जिसमें लिंग भेद मिटा दिए जाते हैं ठीक है तो ये तो था परिचय कवि का और साथ ही साथ परिचय था कविता का तो आइए हम पोएम को पढ़ें और साथ ही साथ हम उसको हिंदी में ट्रांसलेशन भी करें सो लेट अस रीड द पोएम एंड ट्रांसलेट इट इन हिंदी ऑल्सो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आई विल रीड दिस पोएम ओके स्टांजा वाइज हैं देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू ओके so let's begin mother i am the one you sent away but the doctor told you i would be a girl in the end they had to give me an injection to kill me before i died i heard the traffic rushing outside the mansion slush, the wind uh, shulking through your uh, beloved Mumbai. I could have clutched the neon blue. Okay, so that is the first stanza. Okay, in this stanza, we have seen that uh, when a mother reported from the doctor or by the doctor, the child is growing in her home. That is not a boy, instead of that, that is a girl. So that is why the mother wanted to kill her. Okay, such time what she says. So let me tell you in Hindi, Ma मैं वही हूँ जिसे आपने विदा कर दिया था मैं एक बालिका बनती अंत में उन्हें मुझे मारने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा मृत्यु से पूर्व मैंने यातायत की भागम भाग सुनी मानसून में गिरती मुलायम मैली व पिघलते पर की आवाज़ सुनी मुंबई में चलती नाराज पवनों की आवाज़ सुनी मैं न्योन ज्योति को पकड़ सकती थी किंतु किसी ने भी नहीं चाहा है ना तो वो कुछ भी कर सकती थी है लेकिन दूसरे किसी ने नहीं चाहा कि वो क्या कर सकती है मतलब वो क्या कर सकती थी नो वन वांटेड नो वन वांटेड किसी ने नहीं चाहा किसी ने नहीं चाहा टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन ऑटो स्प्रे रूम when they knew my mouth would not search for anything and my head could be muddled and bent cut apart i looked like a slice from a grand. the fruit you never touched mother i am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl. Afterward, as soon as you would you put on your grass green shari the orange stream of the parjak blossoms or glistened in your hair. तो यहाँ पे आ, वो अनवांटेड गाल कहती है किसी ने नहीं चाहा मुझे छूना केवल बाद में सब परीक्षण कक्षा में जब उन्होंने जाना जान लिया कि मेरा मुख अब किसी को भी तलाश नहीं करेगा और मेरा सिर का नापा जा सकता था और मोड़कर कर बा काट कर अलग अलग किया जा सकता था मैं एक टुकड़े टुकड़े किए अनार की भांति दिखाई थी ऐसा फल जिसे आपने कभी नहीं छुआ माँ मैं वही हूँ जिसे आपने विदा कर दिया जब चिकित्सक ने आपको बताया मैं एक लड़की बनूंगी आपके दूसरे पुत्री इसके उपरांत इतनी शीघ्रता से जितना आप कर सकते थी आपने अपनी घास जैसी हरी साड़ी पहनी परिजात के पुष्प पुंज की नारंगी ठंडल आपकी बालों में चमक रहा था है? तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कोई भी मेरा जन्म नहीं चाहता था सब परीक्षण कक्षा में अनार के दानों की तरह मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया माँ मैं वही हूँ जिसे आपने विदा कर दिया था जब चिकित्सक ने आपके घर में पुण्य कन्या होने की बात बताई वो जन्मी कन्या कहती है इसको तुरंत बात आप मुझे भूल गई और आपने अपने आप को सजाया संभाला दैट इज़ वेरी यू नो सैड फुल थिंग दैट है कि बात ऐसा होता है हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को ये पता चलता है हैं कि उसके जो दूसरा मतलब बच्चा जो है वह एक लड़की होने जा रही है तो इस परिस्थिति में लोग क्या कर देते हैं कि उसको आवश्यक करके मतलब हत्या कर देते हैं और फाइनली ये क्या बन जाती है एक अनार जैसे एक अनार की तरह है ना वो बन जाती है पीस पे अपले पीस होकर के वो निकल जाती है सो हियर वी मे सी दैट द पीपल व्हेन दे नो दैट ए द सेकंड चाइल्ड इज गोइंग टू बी a girl so they wanted to abortion it and they have done it here according to this poem mother done it and finally the girl one who was in the womb he came out just like a pregnant fruit so nobody want to touch it nobody want to accept her that is very you know a terrible or that is very you know pathetic uh, uh, thing for it so i have explained uh, uh, two stanza and uh, in my next class i will explain you uh, rest of stanza and uh, we will look the glossary and uh, other thing so for today uh, this video i think this is enough for you so remember one thing in this poem बी लर्न दैट हाउ द सोसाइटी इज यू नो अनलाइक टू द गर्ल चाइल्ड एंड हाउ द सोसाइटी इज़ इग्नोरिंग टू द गर्ल चाइल्ड हमने इस पॉइंट में ये दोस्त आंजा में इसी बात को देखा कि जब कोई माँ है ना और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अपने गर्भ परीक्षण करने जाती है जब डॉक्टर के द्वारा उसको पता चलता है कि उसके जो बच्चा जो है वो एक लड़की है मतलब वो एक लड़की को जन्म देने वाली है और तब वो, वो क्या करती है किसी भी तरह से उसका आवसन करके गिराना चाहती है लड़की के प्रति इस प्रकार भेदभाव क्यों है और लड़के होता है तो जन्म खुशी से देते हैं लेकिन लड़की होती है तो उसको गर्भपात करवाते हैं ये क्यों हो रहा है सोसाइटी में इस प्रकार एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये सोसाइटी में क्यों हो रहा है इसको समझाने के लिए और इस पॉइंट को लिखा गया है और साथ ही साथ और यहाँ पे यही बताया जा रहा है ये दोस्त एग्जाम में थैंक यू मे गॉड प्लेस यू हैव ए गुड डे